तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं न्यूज विद निखिल के एक और फ्रेश एपिसोड के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहली खबर है लंदन से, जहां पर अलग अलग देश के हेड ऑफ द स्टेट्स यानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं ट्रिब्यूट देने के लिए क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को। तो वहीं इंडिया की तरफ से क्वीन एलिजाबेथ को ट्रिब्यूट देने के लिए इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं लंदन में। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का फ्यूनरल स्टार्ट हो चुका है, बेसिकली अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। वैसे अब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जगह लेंगे वो है प्रिंस चार्ल्स, जो अब ऑफिशियली बन चुके हैं किंग चार्ल्स। अगली खबर के बारे में बात करें तो अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ फीमेल स्टूडेंट्स के MMS लीक होने की। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि MMS लीक हुआ है या नहीं। सबसे पहली खबर आई थी कि MMS लीक हुआ है और MMS लीक होने की खबर दी पंजाब के सुपर CM अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान ने ट्वीट करके। लेकिन शाम तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब पुलिस ने कहा कि कोई MMS लीक नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब विक्टिम खुद बोल रही है कि उसने MMS बनाया था और उसने सेंड भी किया है, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई जब अगर MMS नहीं बना है तो विक्टिम को अरेस्ट क्यों किया गया है। वैसे स्टूडेंट्स की बातों में दम तो है। जब पंजाब का एक मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी का एक भी लीडर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के CM भगवंत मान कल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में थे और वहां जो हुआ उससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। भगवंत मान इंटरनेशनल ट्रिप पर जर्मनी में थे और बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसी प्लेन में बैठे एक इंडियन पैसेंजर ने बताया कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की वजह से 4 घंटे फ्लाइट लेट हुई और भगवंत मान फ्लाइट तक तो आए लेकिन भगवंत मान को उतार दिया गया, क्योंकि भगवंत मान एक्सेसिव एल्कोहलिक थे, यानी बेसिकली शराब पिए हुए थे और इस कदर पिए हुए थे शराब की लुफ्तांजा एयरलाइंस ने उनको प्लेन से उतार दिया। अब कहाँ है मीडिया, क्या किसी चैनल के ऊपर आपने इससे रिलेटेड न्यूज देखी, या देश का एक CM दूसरे देश के एयरपोर्ट पर शराब पीकर घूम रहा है, क्या ये देश के लिए शर्म की बात है या प्राउड की बात है। लेकिन एक भी मीडिया चैनल ने इसको लेके रिपोर्ट नहीं की है। इसे कहते हैं मीडिया को मैनेज करना। वैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 24 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और सारे स्टूडेंट्स को छुट्टी पर भेज दिया गया है। अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर है राजस्थान कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और गुजरात कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बनाया जाए। अब धीरे धीरे सारे स्टेट्स भी इसी तरीके से रिजोल्यूशन पास करेंगे कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात तो है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भी लीडर की ये हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल सके कि राहुल गांधी के अलावा भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वैसे मानना पड़ेगा खौफ तो है राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मीडिया को मैनेज करते हैं, अपने हिसाब से न्यूज रिपोर्टिंग करवाते हैं मीडिया चैनल से। जहां सारे चैनल्स एक तरफ चीते की कवरेज को दिखा रहे थे, तब NDTV अरविंद केजरीवाल के साथ टाउन हॉल कर रहा था। ये पूरा शो प्री प्लान था, क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केजरीवाल क्या जवाब देंगे, सब कुछ। अगर आप न्यूज विद निखिल की सीरीज को फॉलो करते हैं तो मैंने अपने एपिसोड में बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रोफेसर्स की सैलरी और असिस्टेंट टीचर्स की सैलरी को रोक दिया गया है। इसी पर टाउन हॉल में मौजूद बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया। कहाँ पे मैं इसको चेक कराता हूँ कि पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। केजरीवाल ने बोला इस पर कि उनको पता नहीं है इस पूरे इशू के बारे में। ओ भाई, केजरीवाल को इतना नहीं पता, दिल्ली के अंदर टीचर को सैलरी नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है और ये अपना वर्ल्ड एजुकेशन मॉडल लिए फिरते हैं हर जगह। सब जगह इतना सारा हल्ला हो गया है कि टीचर्स की सैलरी रोक दी गई है, पढ़ाई नहीं हो रही है और आपको पता ही नहीं है। तो आपको पता क्या है, गुजरात जाने के बारे में पता है, जब आपको गुजरात जाने से फुर्सत मिले
जैसे ही ये सवाल या लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसे ही NDTV ने पूरा शो, पूरा टाउन हॉल खत्म कर दिया। I'll get it done. Okay, I'm gonna have to put it in. ये है NDTV दोस्तों। साहब वैसे एक पूरा रिपोर्टर लगा रखा है इन्होंने अरविंद केजरीवाल की पब्लिसिटी के लिए, जो जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां वहां वो रिपोर्टर जाएगा अरविंद केजरीवाल के पीछे। इसी तरीके की गंदी जर्नलिज्म की वजह से आज NDTV की ये हालत है। जो रिपोर्टर्स आम आदमी पार्टी को फेवर करते हैं उन्होंने ट्विटर पर ही बता दिया कि सुधीर यादव और आदिल जो डराते हैं रिपोर्टर्स और मीडिया वालों को कि केजरीवाल के अगेंस्ट में अगर कोई खबर दिखाई तो सोच लेना भैया, जी नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं न्यूज विद निखिल का एक और एपिसोड। कैसा लगा आपको एपिसोड कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।